नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय चौधरी है और मैं जनपद गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम की चौकी वैशाली पे वर्तमान में तैनात हूँ। मेरी समस्या ये है कि हमें आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम इस डिपार्टमेंट में गुलामों की तरह नौकरी कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने हो गए हैं, मैंने अपना बच्चा नहीं देखा, अपने घर वाले नहीं देखे, मेरे माँ बाप बीमार है क्या नहीं, मैं घर नहीं जा पाया हूँ ड्यूटी की वजह से। 1 दिसंबर को मेरी शादी की सालगिरह थी, लेकिन इलेक्शन की गिनती की वजह से मैं उसमें भी नहीं जा पाया। अब मैंने छुट्टी के लिए दरखास्त लगाई तो मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है लैपड़ पर, तो मैं कल दिन में जो है ड्यूटी ख़त्म करने के बाद थाने आया। 3 घंटे कोतवाल महोदय जी का इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जब मैं उनके सामने छुट्टी लेकर प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने कहा कि 5 दिन की छुट्टी, 3 दिन की दूंगा। मैंने कहा नहीं साहब, 5 दिन की दे दीजिए, 2 महीने से घर नहीं गया हूँ, 2.5 महीने से। तो उनके सामने से शब्द दिए थे, तुम 2.5 महीने से घर नहीं गए हो तो तुमने तो क्षेत्र में लूट मरा मचा रखी है, उगाही करते हो, रिश्वत लेते हो, रिश्वत नहीं लेते तो घर जाते। हकीकत यह है, ये किसी को छुट्टी देते ही नहीं है। पिछले 5 दिन से छुट्टी देने लगे, तभी मैं हिम्मत करके छुट्टी लेने आया हूँ, भगा देते हैं बाहर से। और अगर कभी SSI महोदय करते हैं तो उन्हें हिदायत दे देते हैं कि तस्करा घेरो, छुट्टी सिर्फ मैं दूंगा, SSI महोदय नहीं देंगे। तो मैं छुट्टी लेके जब पेश हुआ तो 3 दिन पे ही अड़े रहे। मैंने कहा ठीक है साहब, 9 तारीख से 3 दिन की कर दीजिए, तो मैं आपको छुट्टी दिखाता हूँ। मैं अपने चौकी इंचार्ज से फॉरवर्ड करा के लाया था, उसके बावजूद छुट्टी करी, लेकिन उस पर नीचे दस्तखत नहीं करे, तो इस छुट्टी को कौन मानेगा? देखिए आप लोग भी। बताइए कौन मानेगा इस छुट्टी को कि ये छुट्टी है? ये कोतवाल साहब ने लिखा है पर इस पे साइन ही नहीं है, क्या करें इसका, छुट्टी का? तो फिर मैं कल जब जाके देखा कि इस पे साइन नहीं है, तो मैं रात की ड्यूटी करके आज दिन में फिर आया, 4 घंटे फिर वेट किया कोतवाल साहब का। तो जब मैं पेश हुआ, कह रहे हैं मैं तो 8 तारीख को 12 बजे आइएगा तभी साइन करूंगा इस पे। इसका मतलब जिस दिन हमारी रवानगी होनी है, हम 4 घंटे फिर थाने में बैठ के इनका इंतज़ार करें, जो हमें एक आधा दिन जाने के लिए मिलता है, वो हम यहाँ इनके साइन कराने के लिए बर्बाद कर दें। तो इन्होंने फिर भगा दिया। मैं वापस आया, मैंने कहा सर आप इसको कैंसिल कर दो, आप इस पे से सबमिट कर दीजिए CO साहब के नाम, मैं उनसे छुट्टी करा लूँगा। तो कह रहे सबमिट क्यों कर दूँ, मगर तो साइन कर दीजिए इस पे। कह रहे ना साइन करूँगा ना सबमिट करूँगा, 3 डेज CL लिख दिए, जाके CO साहब से करा लो। CO साहब जब तक ये सबमिट नहीं करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, CO साहब भी छुट्टी नहीं करेंगे। अब बताइए हम लोग करें क्या, जाए कहाँ? कोतवाल हैं श्री सुशील कुमार दुबे, कभी किसी की समस्या नहीं सुनते हैं, उनको सिर्फ ये चाहिए सिपाही मर जाए, जिए ना जिए उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोग ये समझते हैं कि छुट्टी हम अपने अधिकार की नहीं, इनके अधिकार की मांग रहे हैं। या तो ये जिम्मेदारी ले भैया, तुम्हारे घर परिवार में जो भी समस्या है हम देखेंगे। तो नहीं चाहिए हम लोगों को छुट्टी, हम घर भी देखेंगे, नौकरी भी करते हैं, और लोगों की पब्लिक भी हमें ऐसे देखती है जैसे हम पता नहीं कहाँ से आए हैं, पुलिस में भर्ती हो गए हैं, हर तरफ शोषण है। लेकिन ये चंद जो सुशील कुमार दुबे जैसे इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने इस डिपार्टमेंट को बर्बाद करके रखा हुआ है। इन्हें किससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस इनके घर भरते रहें, बैंक भरते रहें, किसी को छुट्टी नहीं देंगे। भाई ये मेरी समस्या थी, मैं सबको बताना चाहता था कि आज भी कितना शोषण हो रहा है और ये होता रहेगा।